बक्सर की घटना जितनी निंदनीय है उतना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अमानवीय चेहरा दर्शाती है। आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने, वो वीडियो सबने देखा होगा कि पुलिस ने किस तरीके से घर में घुसकर किसान परिवार के लोगों को बर्बरता से पीटने का काम किया। ना बच्चों को बख्शा, ना महिलाओं को बख्शा, और उसमें कोई उनसे पूछे कि भैया इनका कसूर क्या है। आज मुख्यमंत्री जी निकले हैं समाधान यात्रा पर। पहले बक्सर का समाधान करें ना, करें पहले किसानों का समाधान। आज अगर किसान मौजूदा सर्कल रेट पे अगर अपना मुआवजा मांगता है, जो उसका हक है, जो उसका अधिकार है, उस अधिकार से उसको वंचित किया जाता है, और अपने हक अधिकार की मांग पर जिस तरीके से उनको, उनके परिवार के सदस्यों को पीटा जाता है, और तो और रात में जब पुलिस जाती है इस तरीके की घटना को अंजाम देने, तो छोटे छोटे बच्चों तक को उठाकर लेके जाया जाता है। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को आप गिरफ्तार करते हैं, महिलाओं के ऊपर आप लाठी चार्ज करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब देना भैया, समाधान क्या है इसका, क्या समाधान है इसका? किसान अगर अपने हक अधिकार की मांग कर रहा है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका समाधान क्या है? ये समाधान निकालें। जो दिखावटी अपनी स्वार्थ यात्रा के नाम पर समाधान यात्रा निकालने जो मुख्यमंत्री निकले हैं, पहले वो बक्सर का समाधान करें, पहले वो किसानों का समाधान करें, पहले वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों का समाधान करें, सीटेट बीटेट का समाधान करें, तब जाके सही मायनों में बिहार में ये समाधान कर पाएंगे। पर जो समस्या की जड़ स्वयं हो, उनसे समाधान की अपेक्षा रखना संभव नहीं है। और ये बक्सर जैसी निंदनीय घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता।